वो आराम थोड़ा नहीं हुआ भाई भाई, इन दोनों के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। चलना बड़ा टफ हो गया, सारी स्नो मुंह के ऊपर आ रही है और लास्ट टर्न रह गया भाई। अपने टिगलू भाई इमोशनल हो गए हैं भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। तो अभी हम जी लद्दाख के जंस्कार वैली के यूचुंग गांव में। यहां पर एक ना, ये पता नहीं गवर्नमेंट का है पता नहीं प्राइवेट है। टिगलू भाई क्या लगता है, गवर्नमेंट का प्राइवेट का है ये घर? किसी का गवर्नमेंट का लग रहा है मेरे को ना, कुछ गवर्नमेंट का सिस्टम था ये, ऐसा कुछ है भाई। कल भी दिखा था, आज भी दिखा देते हैं, इसमें कैंपिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग टिगलू भाई। गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। और कैसी रही रात की नींद? रात का नींद भाई बहुत ही मस्त। क्यों आया मस्त? क्योंकि इतना ज्यादा मस्त हालत हो चुका था भाई। कल आपको पता है कितना टफ वाला रास्ता था, बट हमने कर दिखाया भाई जैसे तैसे करके। तो नींद बहुत तगड़ी आई। इधर टिगलू भाई का कैंप था, इधर मेरा है और उधर अपने प्रदीप भाई। कैसे हो प्रदीप भाई? एकदम मस्त भाई। पैकिंग होगी? रात की नींद के बारे में कुछ बताना चाहोगे, मस्त आई या नहीं आई? अरे एक दो नहीं, 12:30 बजे तक तो नहीं सोया क्योंकि घर से फोन आया था, हाँ, बात हाँ, किया था। उसके बाद जो नींद आया सुबह उठाने से भी उठ नहीं रहे थे भाई। नहीं रहा था सच्ची में, ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा सो जाओ। अरे ऐसे कल टफ बहुत था, बहुत ही ज्यादा टफ था सच्ची कसम से। फिलहाल आपको ना बाहर से सुबह का ना यूचुंग विलेज का व्यू दिखा देता हूँ और थोड़ी बातें बता देता हूँ जो कुछ बतानी है। लो जी, ये जी सुबह सुबह का यूचुंग विलेज का व्यू भाई, वैसा का वैसे ही जैसा कल शाम को था, कोई फर्क नहीं है भाई। बट सुनसान से विलेज है इधर और पहाड़ों पर उधर उधर बर्फ है, बाकी इधर रूखे सूखे टूटे फूटे पहाड़ है भाई। आज का सफ़र हमारा ये होना सिंगेला टॉप। ये टॉप नहीं है भाई, टॉप तो आगे वो काफ़ी दूर है और काफ़ी ऊंचा, 17,000 फीट की हाइट है उसकी भाई लगभग। बाकी जाके बताएंगे। उधर भैया की दुकान थी जहाँ खाना साना खाया और फिर यहाँ पर कैंपिंग कर ली। ऐसा कुछ नज़ारा है। फिलहाल आज का सफ़र भी काफ़ी टफ होने वाला है और अगर हमने आज क्रॉस कर लेना तो हम शायद इंडिया के फर्स्ट हो जाएंगे जो इधर क्रॉस करने वाला है, इधर से इधर ले की तरफ। अभी तक किसी ने नहीं किया, बाकी टफ बहुत ज़्यादा है इसीलिए किसी ने नहीं किया। तो फिलहाल अभी पैकिंग करके जल्दी जल्दी कुछ हल्का फुल्का खा के ऊपर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि सफ़र अभी भी 15-16 किलोमीटर के करीब पड़ा है और टफ तो है ही है। और आज फिर बादल हो रखे हैं, कल तो हल्की हल्की बारिश भी होती रही, बाकी आज बादल बादल है, कभी धूप निकल जाती है कभी बारिश और बादल आ जाते हैं। ठीक है, जल्दी से पैकिंग करते हैं और यहाँ से निकलते हैं ना टिगलू भाई। लो जी सारी पैकिंग हो चुकी थी, मैं तो साइकिल लेके यहाँ तक आ गया, टिगलू भाई प्रदीप भाई पैकिंग करके आ रहे हैं भाई। और मैं सर जी के पास बैठा था, कुछ बातें करता। सर जी टावर कब लगा यहाँ पर? 2022 में, मतलब अभी 1 साल ही हुआ यहाँ नेटवर्क आएगा, उससे पहले नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। थोड़ा थोड़ा था ना। क्या मतलब वाईफाई नहीं? वाईफाई नहीं, वो तो ये टावर का नहीं, टावर लगने से पहले उससे पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो को बात कैसे करते थे, कॉल वगैरह? ये वाईफाई है ना, वाईफाई था। वाईफाई था। अच्छा, फिर वाईफाई उतार दिया गांव वालों ने, किसी ने, गवर्नमेंट ने लगवाया था वाईफाई? गवर्नमेंट का वाईफाई था। ठीक है भाई, तो देख लो भाई 2022 तक नेटवर्क ही नहीं था, अब आया है। शायद नरेक में भी नहीं था तब ना, नरेक में पीछे जो गाँव है उसका भी 2022 में लगा होगा ना, क्योंकि दोनों 2G है ना। ठीक है भाई, चलो ठीक है, फिलहाल यहाँ से कुछ खाते पीते उसके बाद अपनी हाइट शुरू कर देते हैं, क्योंकि कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? 13-14 किलोमीटर होगा ना सिंगेला टॉप, तो इतना तो होगा भाई। तो थोड़ा आज जल्दी निकल जाएंगे, कल तो चलो खाने की वजह से लेट हो गए थे, 11:30-12 के करीब का टाइम हो गया। अभी 10:30 हो चुके पैकिंग करते करते, अभी 11 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। और आज वाला थोड़ा टफ भी थोड़ा कम बोल रहे हैं, बाकी देखते कैसा होगा वो जाकर बताएंगे। फिलहाल टिगलू भाई और आ गए। तो अभी आपको पता ना सुबह इधर खाने को तो कुछ है नहीं है, अभी चाय बनवाइए भैया के, बोला भी 3 बिस्कुट ला दो बड़े वाले पार्ले जी, और इसके साथ चाय पीते हैं। और रास्ते में जाके अपने पास मैगी पड़ी है, और अपने पास मैगी का सामान सारा आई है ना प्रदीप भाई, रास्ते में जहाँ भूख लगेगी मैगी बना लेंगे। फिलहाल अभी चाय के साथ एक एक पार्ले जी हो जाए। धन्यवाद जी, झूले झूले झूले। एक ना राजस्थान वाले भैया साइकिल से हमारे पीछे मिले थे और भाई गाड़ी में, पता क्या बोल रहा है, फ्री व्हील टूटा है। मैं क्या, हमारे भी टूटने वाले थे फ्री व्हील भाई, रास्ता इतना टफ है फ्री व्हील या सबके टूटते हैं। तो भाई देख रहे हो ना हम कितने हतलो हिम्मती है, मतलब चाहे कुछ लगा लो आप ये बोलोगे अपनी प्रशंसा, बोरा फ्री व्हील टूटता है यहीं पर, फ्री व्हील टूटता है उससे तो मैंने सेन लिया था ना। दूसरी बात फ्री व्हील टूटता है, ऊपर तो पैदल ही चढ़ना, उसमें फ्री व्हील का काम ही नहीं है। चलो जाने दो भाई, ये एक चीज याद रखो, मतलब मेरा एक मतलब नहीं, वो बात नहीं है। देख हम मेहनत कर रहे हैं,
दिखाना बनता है, कल को बोलेगा मैंने भी ये पास क्रॉस किया है। ठीक है, हमारी मेहनत है यार, इतना टफ रास्ता करे सच्ची यार कसम से, बहुत ज्यादा टफ है, इतना टफ कोई मैंने पास भी नहीं देखा। कल को ये बोल देगा भी मैंने तो वो पास किया है, इन्होंने तो मैंने भी किया, वो तो फास्ट हो गया ना अभी, पहला बंदा हो गया, वो तो पहला बंदा हो गया गाड़ी में रख के ऊपर टॉप पर चला गया। हम तो फिर है ना भैया, सही बात है ना, हम मेहनत करके आए हैं, वो गाड़ी में रख के लेके गया, वो कल को बोलेगा भी मैंने टॉप क्रॉस किया, मैं पहला इंडियन हो गया। पर हम हमें तो आपको दिखा दिया ना हमने, टिकलू भाई तेरी वीडियो में सही क्लियर दिखा ना, सही किया। उसको देखते पता क्या बोला, फ्री व्हील टूट गया, उसको पता था मेरा चेन टूट गया, क्या क्या हालत हो चुका है। तू गाड़ी में रख के लाया देख फिर गाड़ी, अरे बात वही है, हिम्मत करनी पड़ती है भाई। शुक्र है टिकलू भाई तूने वीडियो बना ली, तो कल को बोलते ही माइंड में आ गया सही। अरे मैंने बाद में लेट कैमरा ऑन किया। ओके सर जी चलते हैं, बाय बाय झूले। चलो भाई चलने का टाइम आ गया, बस आज का टफ रास्ता भाइयों, फिर अपना कोई टेंशन नहीं है, फिर हम आराम से मजे से चलेंगे भाई। तो इस यूचिंग विलेज को, खूबसूरत से विलेज को टिकलू भाई, अच्छा कल नहीं तेरा डांस निकल रहा था, अब डांस निकल रहा, कल डांस जी खत्म हो गए थे, कल तो जीभ निकल रही थी, आज भी निकलेंगे भाई, उधर जाना हमने। चलो भाई लो जी निकलने का टाइम आ चुका है, और टिकलू भाई कुछ प्रेयर करना चाहते हैं। टिकलू भाई इतनी शक्ति हमें देना दाता, आपने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, और थोड़ा सा ताकत दीजिए, सहारा दीजिए, आप वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। नहीं वो उससे भी ऊपर है, थोड़ा और सहारा ले ले, सहारा भगवान और ज्यादा थोड़ा सहारा दे दीजिए, थोड़ा तगड़ा सा सहारा दे दो यार, पहुँच जाए। चलो भाई चलो भाई, हर हर महादेव। चल प्रदीप भाई हो जाएगा करेंगे, गाड़ी में रख के लेके जाएगा, गाड़ी में रख के लेके जाएगा ना प्रभा ना। कल बोल रहा था गाड़ी में रख लेते हैं, मैं क्या अच्छा जब तक मेरे साथ तेरे को रखने नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। लो जी अभी दूसरा है, तीसरा राउंड है, अभी पहली ब्रेक लिया रेस्ट करने के लिए, वहाँ से चले थे भाई, वहाँ से इधर ऐसे चढ़ के ये राउंड लगा के, ये अभी दूसरा राउंड है, और एक दो तीन राउंड और रह गए हैं इस छोटे से टॉप के, उसके बाद दूसरी पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर तीसरी की, तीसरी लास्ट होगी जो टॉप होगा सिंगला टॉप, उसके बाद ढलान आगे फटोक्सर गांव आ जाएगा, वहां पर आज का स्टे होगा भाई। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, बट आपको पता है तगड़े वाली तो बारिश होती नहीं, ऐसी नॉर्मल सी तो चलती रहती है। जब नीचे से देख रहे थे ना ऐसे लग रहा था ये वाला टर्न लास्ट है, उसके बाद दूसरी पहाड़ी पर जाएंगे, बट लास्ट टर्न ये नहीं है, उस पहाड़ी पर भी जिगजैग रास्ते बने हैं, वो टॉप में ना एक बिजली का खंभा दिखाई दे रहा, वहाँ से फिर दूसरी पहाड़ी की तरफ जाना है, इधर की तरफ लगभग 3-4 किलोमीटर आ गए होंगे, लग तो ऐसे ही रहा है। यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, हाइट बहुत ज़्यादा हो गया ना, नीचे से बहुत ऊपर आ चुके हैं, और कल वाले टॉप से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। उन बर्फ वाली पहाड़ी दिख रही ना, उनसे तो बहुत ऊंचा जाना है, अभी हिसाब लगा लो वो कितना ऊंचा पड़ा टॉप, वहाँ पर जाना है। ठीक है फिलहाल प्रदीप भाई आ रहे हैं, उनकी वेट करते हैं, टिकलू भाई आगे जा चुके हैं। ये जो गाड़ियाँ आ रही ना सारी 4x4 गाड़ियाँ हैं भाई, और इनके पूरे रंगाटे उठ रखे हैं भाई, मतलब पूरे जोर लगे हुए हैं भाई, कितनी आराम आराम से जा रहे हैं भाई, ये देखो भाई। हेलो देखो भाई 4x4 है, अगले टायर भी जोर लगाते हैं, पिछले भी है ना? कैसे बहुत जर्किंग करता है पीछे आने से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसको पैदल में कोई दिक्कत नहीं, तो चला के लेके जाने पर ज़्यादा क्या करने से ना फिर दिक्कत होती है। लो जी अभी यहाँ से ना नीचे का व्यू दिखना बंद हो गया, अभी हम दूसरी तरफ जाने वाले हैं। हम नीचे से सोचते थे इस पहाड़ी पर चढ़ना है, खंभे वगैरह लगे हैं और आगे कोई रास्ता भी होगा जिगजैग सा, बट वो रास्ता टूट चुका है, अब रास्ता हमारा ये है जी मेन वाला, इधर जाना साथ साथ और फिर पहाड़ी की दूसरी साइड, ये लास्ट टर्निंग पॉइंट है भाई, इधर से हम आए हैं, लास्ट टर्निंग पॉइंट है जहाँ से यूचुंग का हरा भरा सारा व्यू दिखाई देता है, उन रास्तों से आए हैं, इधर से होते हुए नीचे नीचे से। अभी सामने एक और पहाड़ आ गया भाई, इधर जिगजैग रास्ते करते हुए ना इस पहाड़ पे चढ़ना ऊपर,
इधर से, हाँ काफ़ी लंबे रास्ते हैं भाई, और उसके बाद साइड टॉप दिखाई दे भाई, फिलहाल अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कल इस टाइम ना इधर पूरा मौसम ख़राब था, इन पहाड़ियों के बीच में से ना बादल निकल रहे थे, आज थोड़ा ठीक है, अभी थोड़ा ना ठीक रास्ता आ गया। लंबे टर्न ना, जब लंबे टर्न होते हैं ना तो हाइट थोड़ी कम होती है, पर ऑक्सीजन कम है ना इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई, सांस लेने में भी और बोलने में भी। अगर ऐसा रास्ता रहा ना तो जल्दी ही टॉप क्रॉस कर जाएंगे, और आगे मौसम ख़राब हो रहा है, बादल आ चुके हैं। प्रदीप भाई ऊपर कुछ दिख रहा हो, दुकान टाइप उधर वो देख है ना, कुछ है, देखते क्या मिलता ना। प्रदीप भाई यहाँ तो रास्ते की समझ नहीं आ रही किधर जाना है, देख यार उधर से इधर जिग जाग रास्ते होके इधर भी जा रहा है काफ़ी लंबा, खंबे लगे हुए हैं साथ साथ यार, फिर उधर से घूम के आना पड़ेगा, और एक ऊपर भी दिख रहा है इधर से घूम के, हमें पता नहीं कौन से रास्ते जाना है, पूछना तो नहीं, रास्ता तो पता लग जाएगा आगे जाके, पर यहाँ से समझ नहीं आ रही। अभी ने मेरे को अंदाज़ा लग गया, ये खंबे साथ साथ उधर गए हैं, वहाँ से ऊपर जाके ना एक टी पॉइंट है, वो दो खंबे हैं, एक एक रास्ता उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, हमें उधर वाले जाना जो राइट साइड वाला है। कल मैंने ना दुकान वाले भैया से पूछा भी सर्दियों में तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती होगी, वो बोल रहा टॉप पर तो 4-5 फीट होती है, यहाँ पर 1-2 फीट होती है, अभी पहले ज़्यादा हुआ करती थी। तो मैंने बोला फिर सर्दियों में क्या करते हो, बोलता कुछ नहीं अंदर आग जला के बैठे रहते टाइम पास करते हो। और मैंने बोला पशुओं के लिए चारा कहाँ से लाते हो, बोल रहा ऊपर पहाड़ पर ना हरा घास दिखाई देगा उसको उखाड़ लाते हैं, सुखा के रख लेते हैं और सर्दियों में खिलाते रहते हैं। तो वो वाला घास दिखाता हूँ आपको कौन सा है, ये वाला घास है जी, ये हरा हरा देखो सारी घाटी में हरा हरा घास है ना, ये इसको उखाड़ लेते हैं, ये जितना भी दिख रहा है, तो इसी से पशुओं का चारा बनता है इनका। और इधर ना एक अलग ही तरह कांटे वाले ना फूल टाइप बने हुए हैं, ये देखो ये क्या चीज़ है, हम जिसे दुकान समझ रहे थे ना ये तो पत्थर तोड़ने वाली मशीन है, उन्हीं का बना हुआ सिस्टम सा। और भाई रास्ते में बिल्कुल पत्थर पत्थर आ गया, और हाइट ज़्यादा नहीं करना, ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा होने लगी है, पसीना बहुत आ गया, क्योंकि साइकिल चला के लेके आ रहा हूँ ना मैं, कोई थोड़ा सा रास्ता ये भी ठीक है, साइकिल चले जा रही है तो चला के लेके आ रहा हूँ, बाकी आगे देखते हैं कैसा होता है। बादल आ चुके हैं, आगे से ना दो रास्ते जा रहे हैं, एक तो लेफ्ट साइड जो बिल्कुल ये ऊपर है सामने, और हमें जाना सीधा सीधा जाएगा सिंगला टॉप की तरफ, और लेफ्ट वाला शायद किसी गांव की तरफ जाएगा। इधर ना ताज़ा ताज़ा पत्थर डाला है, रोड रोलर आ रहा भाई इनको दबाता हुआ भाई, तो अभी तो चलना डिफ़िकल्ट हो रहा है, ताज़ा पत्थर है ना फिसल रहा है उससे टायर। तो इधर बैठा है टिकलू भाई, आगे ना ये बुद्धिज्म के फ्लैग लगे मेन रास्ते पर, और इसके बाद भाई ढलान है, पता नहीं क्या चक्कर है भाई, ये देखो भाई ये लेफ्ट रास्ता जाता है गांव की तरफ, किस गांव की तरफ जाता है वो मैप पर शो नहीं हो रहा। ओ भाई वे टू लिंग सेट जंस्कार, जो लिंग सेट की तरफ रास्ता जाता है, कल जब आ रहे थे ना तब उधर से लिंग सेट जंक्शन था ना जो लास्ट वाला रास्ता था ना वो इधर ही आगे मिलता है, ठीक है। सांस चढ़ गया बहुत ज़्यादा, आ जाए प्रदीप भाई, आगे थोड़ा प्लेन सा एरिया है, थोड़ा आगे जाके मैगी बनाएंगे भाई, भूख लग रही है, मैगी बनाते आगे जाके भूख लगी है। ओ जी मेन टॉप तो अब आया सामने, वो सामने आपको जिग जाग रास्ते दिखाई दे देंगे भाई, रुक के दिखाता हूँ भाई, बस वो टॉप क्रॉस करना है उसके बाद अपना मुकाम हासिल हो जाएगा, वो सामने जिग जाग रास्ते हैं वो वाला टॉप रह गया, कोई खास ज़्यादा नहीं है, आराम से निकल जाएंगे भाई, और रास्ते में बर्फ़ भी मिलेगी वो वाली, इधर भी है, अभी सीधा इसके साथ साथ पहाड़ी जाके ना फिर पता नहीं कहाँ से राउंड आना है। फिलहाल
जल्दी ही पहुंच जाएंगे भाई। प्रदीप भाई ओ सामने झिकझक रास्ता दिखाई दे रहा है, हाँ ज़्यादा नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। तो अभी ना इधर जगह मिल गया, हवा नहीं है, यहाँ अपनी अच्छी सी मैगी आराम से बन जाएगी, क्योंकि हवा में थोड़ी दिक्कत होती है ना, सिलेंडर की आग इधर उधर जाती है, पानी की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तीनों भाइयों के पास थोड़ा थोड़ा पानी है, तीनों आराम से मिला के मैगी बना लेंगे। उसके बाद ना आगे छोटा सा झरना चल रहा है, ये जो बर्फ़ है ना इसके लिए झरना चल रहा है, वहाँ से पानी लेंगे, नहीं तो आगे ना ग्रीफ वालों का सेंटर दिखाई दे रहा है, ग्रीफ वालों का कैंप टाइप, ये गाड़ी वहीं से आई है, नहीं तो वहाँ से भर लेंगे। ठीक है फिलहाल अभी मैगी बनाते हैं भाई। ले बहुत है मैगी तेरे पास, कितने पैकेट है? मेरे अंदर है दो पैकेट है सर। तेरे पास है? और पाँच है? ज़्यादा बना नहीं पाएंगे वो पानी के कारण, पानी होने से तो सब कुछ बना सकते हैं। छः बन जाएंगी इसमें आराम से, देखते अरे छः तो बन जाएंगी। इधर काटे जा रहे हैं ये प्याज भाई, पानी को फ्राई कर रहा है क्या? हमारे टैलेंट प्रदीप भाई का गला में प्लास्टिक वो कर लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चले ना उसकी वजह से। लो जी हवा का ही नहीं पता चल रहा, इधर करते इधर से आ जाती है, उधर करते उधर से आ जाती है, समझ नहीं लग रहा। लो जी इसमें छः मैगी डाल दिए, छः ही बने क्योंकि हमारे पास पानी बहुत कम है, कम क्या बस इतना ही पानी था, अब आगे जाकर पानी भी ढूंढना पड़ेगा भाई, मिला दे इसको अच्छे तरीके से, छः तो बन जाएंगे ना आराम से। मैगी मसाला डालते हैं ना मस्त सी खुशबू आने लग जाती है। प्रदीप भाई के पास ना ये डिस्पोजल प्लेटें थी भाई, तो इनका बेनिफिट मिल गया, अब इनमें डाल के खाते अपनी स्वादिष्ट सी खुशबूदार जायकेदार मैगी भाई। तो जी टाइम आ चुका जी मैगी टेस्ट करने का भाई, कैसी बनी है प्रदीप की फर्स्ट मैगी हमारे साथ, फर्स्ट किया ना? नहीं मैगी तो खाया नहीं, बनाया मैंने फर्स्ट। वाह भाई वाह, एक नंबर प्रदीप भाई, सही मस्त मैगी, मज़ा आ गया भाई। फेवरेट और ऐसी जगह में इतनी भूख लगी हो और मिल जाए तो फिर आपको पता ही है, टेस्ट ना भी फिर भी लग दिया, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ठीक है फिलहाल मैगी खाते हैं, उसके बाद अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं, लगभग 3-4 घंटों में सफ़र आगे का भी कर लेंगे ना? हाँ हो जाएगा, 2 या 3 घंटों में हो जाएंगे ना आराम से। ठीक है भाई इधर ही मशीन खड़ी है भाई रास्ता बनाने वाली, नई मशीन है बिल्कुल चकाचक भाई, और इधर इनके कैंपा जो रास्ता बना रहे हैं भैया, रास्ता सही है ये ऊपर वाला क्यों बना रखा रास्ता? ऊपर वाला कौन सा? वो ऊपर है वो नाले बन गए पानी जाएगा उसमें। अच्छा पानी लेके जाने के लिए बस्ती में पानी लेके जाने के लिए, ओके ओके भाई। मैं पता क्या सोच रहा था, जो ऊपर वाला रास्ता ना वो गाड़ी मतलब टैंकर से भर के पानी लेके जाने के लिए बना रखा है, बट उसके लिए नहीं, ये तो प्रॉपर ना बजरी और सीमेंट का बना रहे हैं पूरा, जैसा नाला होता जिसमें पानी चल के जाएगा भाई, गाँव के लिए व्यवस्था कर रहे हैं भाई। पीछे बरवल पहाड़ों के ना बराबर ही आ गए हैं, और ये पास क्रॉस करके ना इनसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, और भाई ये वाला नाला जिसका पानी ये इस नाले से लेके जा रहे हैं अभी बन रहा है, काफ़ी टाइम लगेगा, तो पानी साफ़ सुथरा पीने लायक है, हम भी भर लेते हैं भाई, नहीं तो रास्ते में दिक्कत होगी। वहाँ से नहीं भरा जाएगा भाई, पानी ज़्यादा बिखरा हुआ है। लो जी पानी भर लिया, अब टॉप तक टेंशन ख़त्म है भाई। ये इधर गाड़ी वाले भैया भी आए हैं, पीछे टैंकर रखा हुआ है पानी भरने के लिए भाई। ये वाला रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, सारी बजरी बजरी पड़ी है, मतलब चला के तो जाया नहीं जा रहा, पैदल जाना पड़ रहा है, नहीं तो टायर इधर उधर फिसल रहे हैं भाई। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना ऑक्सीजन इतनी कम है, चलो चाहे रुको सांस इतने चढ़े रहना है,
ऐसे लगे जैसे आप चल ही रहे हो। ये टर्न लेके आ गए, सामने बर्फ बर्फ है भाई। और भाई यहाँ रुक रहे हैं, तीनों भाई इकट्ठे हो जाएंगे, रेस्ट ले लेंगे। प्रदीप भाई तीनों एक साथ जाएंगे, ऑक्सीजन का बहुत कमी हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वही बात बोल रहा था। आज थकावट कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है, आज चढ़ाई भी ज़्यादा टफ नहीं है कल जितनी, बट थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा। पत्थर के कारण ना ज़्यादा स्लीप हो रहा है, इधर उधर नहीं, ज़्यादा ऑक्सीजन की चक्कर है। फाइट बहुत आ गया ना, इसलिए टिकलू के लिए ऑक्सीजन की वजह से ना हो रहा सिस्टम। ओ भाई अभी टिकलू भाई आता ना, इकट्ठे चलेंगे। ऑक्सीजन की वजह से टफ है ना आज, टफ है। और ये रास्ता पत्थर गिट्टी है ना, उसको वजह से बहुत ज़्यादा टफ है, पाँव में चुभता है, स्लिप होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का चक्कर है मेन ज़्यादा, हाइट उतनी नहीं है कल जितनी, पर ऑक्सीजन की लेवल कम है, वो तो सही है, ये चक्कर है ना। अरे नहीं, उधमपुर से चल के आया, मैं हरियाणा से आया हूँ, ये भैया अभी आसाम से, ये दोनों आसाम से, ये प्रॉपर आसाम से चल के आया, उधमपुर से लेके आया साइकिल। हाँ नहीं मनाली नहीं, हम इधर से श्रीनगर कारगिल से होते हुए आ रहे हैं, हम कारगिल इधर जस्कार होते हुए। हाँ हाँ ओके भैया। और नीचे से देखने को लगता है यहाँ तक ही वो था, पास ही है, लेकिन इसका पीछे भी और है, और है बहुत कुछ, अभी अभी खजाना भरा पड़ा है। अब चलते हैं साथ साथ, क्यों ऑक्सीजन की दिक्कत है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी ना पता क्या करते हैं, थोड़ा चलते हैं, मतलब 500-700 मीटर चले, फिर रुक गए, ब्रेक ले लिया, फिर चले, फिर रुक गए, मतलब ज़्यादा टाइम रुकने से ठंडा। हाँ ज़्यादा टाइम भी रुकना नहीं और ज़्यादा लंबा भी चला नहीं जाना, तो ज़्यादा टाइम रुकेंगे ना, अगर मान लो ये जैसे अब यहाँ रुक गए, ज़्यादा टाइम रुक जाए शरीर ठंडा हो जाता है, दोबारा गर्म करने में फिर सांस चढ़ता है, तो इसलिए थोड़ी देर रुके, 2-4 मिनट फिर चल दिए, ऐसे करके अपना आज का टॉप क्रॉस कर जाएंगे। ये टॉप ना भाई वाकई खारदुंगला से भी टफ है, एक तो रास्ता बहुत कच्चा टूटा फूटा है, ऑक्सीजन की कमी है, ये भाई और खारदुंगला कर चुका है, मैं भी पैदल कर चुका हूं, हमें इसलिए पता ना खारदुंगला से टफ है, कुछ भी नहीं था खारदुंगला, मतलब खारदुंगला उमलिंगला वगैरह कुछ नहीं है इसके आगे। चलो भाई चलते हैं, हाइट चाहे थोड़ी सी उनसे कम है, 1000 फीट या कितनी भी लगा लो, 300 मीटर ही कम होगी, पर रास्ता ऐसा वहाँ भी नहीं है, वहाँ तो चकाचक रास्ते बने हुए हैं भाई, और हर फैसिलिटी है, इधर तो कुछ है ही नहीं है भाई, देखो ना उधर से आए हैं, बहुत टफ हो रहा है। 5 के करीब का टाइम हो चुका है, सूर्यदेव तो भी दिखाई नहीं दे रहे, बादल भी हो चुके हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, फ्रीजिंग जोन है, हवा चल रही है बर्फीली ठंडी ठंडी भाई, उधर से ऑक्सीजन कम, उधर से रास्ता टूटा फूटा, बहुत ज़्यादा टफ है भाई, बहुत ही ज़्यादा। अभी थोड़ा रास्ता सही आया था तो साइकिल चल रही है, थोड़ा चल के थोड़ा पैदल चल के ऐसे रास्ता अपना निकल रहा है भाई। वो गाड़ी आती दिख रही है ना, उससे भी ऊपर है 2 राउंड, वहाँ से फिर जाना है, वहाँ सीधा टॉप के पास, फिर 2-3 राउंड है भाई, फिर जाके अपना टॉप फतेह होगा। वो सामने पहाड़ों पर ना तगड़ी बर्फबारी हो रही है, पूरे बादल हो रखे हैं भाई, और इधर अपने भाई लोग आ चुके हैं, कैसी हालात है भाई? एकदम मस्त हैं, मस्त है। उधर टिकलू भाई भी आ रहे हैं, कौन सा वही, उनसे तो बहुत ऊपर आ गए हैं जो सुनो वाले पहाड़ हैं, वो तो नीचे रह गए भाई। सामने कितने रह गए, 1, 2, 3, तीन तो इधर रह गए हैं और 2-3 उधर हैं, 5-6 रह गए हैं ना। टिकलू भाई कैसे हालात हैं? हाँ हौसला रख, उसके बाद तो फर्स्ट साइकिलिस्ट बन जाएगा। हमारा मेन जंस्कार ही था, टफ था, जंस्कार ही करना था, खारदुंगला वगैरह तो कर रखे हैं। फाइनली आपकी सबकी दुआओं से भाई बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, ये टर्न ऐसे जाना है, फिर ऊपर आना भाई, और उसके बाद ऐसे जाके ना वहाँ मिलेगा, उसके बाद लास्ट टर्न इधर, और वो टॉप दिखाई दे रहा छोटा सा भाई। फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, 2 टर्न रह गए, नहीं तो हालत बुरे हो चुके थे। कुछ दिखा? हाँ स्नोफॉल होने लगी हल्की हल्की। मैं बोल रहा था ना शाम तक मौसम ख़राब हो जाएगा,
वैसा ही हुआ भाई, सारा ऊपर स्नोफॉल हो रही तगड़े वाली। यहाँ भी गिर रही है, ये देखो आपको हल्की हल्की दिखाई दे रही होगी, ये बैग के ऊपर गिर रही है भाई थोड़ी थोड़ी। मज़ा आ गया ना, इस महीने भी स्नोफॉल होती है इधर भाई। ये देखो सीट के ऊपर देखो वाइट वाइट भाई। अभी ज़्यादा होने लगे स्नोफॉल ना। दिखाना हाथ, ये पड़ी है भाई हाथों पर। मज़ा आ गया भाई, बाकी रास्ता थोड़ा सा प्लेन है, चला के चलते हैं जितनी दूर तक चलता है भाई। भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका, तगड़ी बर्फबारी हो रही है। हम जैसे ही पहुँचे ना पूरी बर्फबारी होने लगी। देखो दिख रही होगी आपको टिगलू भाई के सारे ऊपर भाई, टिगलू भाई बर्फीला पहाड़ बन गया भाई। मज़ा आ गया वैसे, चाहे हमारे लिए स्ट्रगल तो है, मुसीबत है, बट मज़े ले रहे हैं हम ना। इधर देखो भाई, ये देखो पूरी तगड़े वाली बर्फबारी। ऊपर तो देखो और भी ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, अभी जल्दी जल्दी चलते हैं नहीं तो बुरे हालात हो जाएंगे भाई। लोग इस नज़ारे को मिस कर देते हैं। हम पूछते थे भी टॉप पर स्नोफॉल होती है, बोलते नहीं होती, आजकल नहीं होती, क्योंकि कभी इस टाइम कोई आता ही नहीं तो पता क्या लगेगा ना टिगलू भाई। पर जो स्नोफॉल हो रही है ना बहुत तगड़े वाली हो रही है भाई। चलना बड़ा टफ हो गया, सारी स्नो मुंह के ऊपर आ रही है और लास्ट टर्न रह गया भाई। ये क्रॉस करते ही ना हमारा पास फते भाई, बट हमें लग रहा बहुत टफ हो जाएगा, कपड़े भीग जाएंगे, बुरे हालात हो जाएंगे। शायद भगवान हमारा स्वागत ही कर रहे हो, बुरा भी नहीं कह सकते। ओ भाई सारा सामान भीग रहा है भाई। टिगलू भाई जल्दी जल्दी चलते, सामान भीग जाएगा, सारा रात को सोना मुश्किल हो जाएगा। चले प्रदीप। लो जी मेरे पास ना ये लिफाफा था, ऊपर लगा दिया ताकि सामान ना भीगे, क्योंकि बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हो जा रही। मैंने सोचा रुक जाएगी बट रुक नहीं रही। मेरे हालात भी देखो कैसे हो चुके हैं, हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुका है बिल्कुल। बट एक चीज़ अच्छी है, हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास हैं। सामने से एक टर्न लेना है और यहाँ पर टॉप है सामने भाई। लो जी लास्ट टर्न है और बर्फ सामने देखो कितनी पड़ी है भाई। प्रदीप भाई रास्ते के साथ पहली बर्फ यही है ना। ओ पहुंच गए टॉप के पास भाई। ठीक लो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। हाँ जी फाइनली सामने है जी टॉप, तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया भाई। वाह मजा आ गया सच्ची कसम से। बहुत सी तकलीफ आई रास्ते, टॉप थे टूटे रास्ते, स्नोफॉल भी होने लगी लास्ट में, मतलब यही इसी की कमी रह गई थी, ये भी होने लगी भाई। बट फिर भी अपने हौसले बुलंद रहे, फाइनली हमने अपना सिंगला टॉप क्रॉस कर लिया। सही, शायद हम फर्स्ट है, फर्स्ट इंडियन। अरे हम फर्स्ट ही है, फर्स्ट इंडियन क्रॉस द सिंगला टॉप ऑफ जंस्कार वैली। वाह मजे आ गए भाई, चलते आगे के नज़ारे दिखाते हैं। और भाई नीचे देखो भाई, नीचे देखो कितने टफ रास्ते क्रॉस करके आए, जिग जैग। टिगलू भाई के टोपी पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी है। टिगलू भाई खुश है? बहुत ही ज़्यादा। हाय हाय मज़ा आ गया यार, इतने स्ट्रगल के बाद हम अपना टॉप फतेह कर लिया। चलते हैं आगे। जैसे ही ना हम सिंगला टॉप के ना पास पहुंच रहे हैं ना, वैसे सबके कदम ना बड़े बड़े हो गए, सभी को खुशी होगी कि फाइनली सिंगला टॉप फतेह कर लिया भाई। खुशी तो होती है भाई, इतना टफ एरिया भाई। और भाई इधर लोगों का काम देखो, जो सिंगला टॉप का बोर्ड है ना इसके ऊपर स्टिकर लगा के सारे बोर्ड की ऐसी तैसी कर दिया। और भाई ऐसा कुछ नज़ारा है, यहाँ कुछ नहीं और बस वो एक घर बना हुआ है। इधर देखो और आगे सारी ढलान है और ये खूबसूरत सा मंजर इधर का भाई, नज़ारे आगे नज़ारे। अपने टिगलू भाई इमोशनल हो गए भाई, पहली बार तगड़े वाला टॉप क्रॉस किया भाई ने, तो होता है भाई। सिंगला एरिया स्टूडेंट वैसोर इस स्टूडेंट वालों ने लगा रखा भाई, और इधर भाई ऐसा नज़ारा। ठीक है फिलहाल भाई हमने कर दिखाया, यस हौसला रखा, पास किया भाई।
ये खुशी के आंसू है भाई। सभी बोरे से आपसे नहीं होगा नहीं होगा, बट हमने कर दिखाया, कर दिखाया भाई। हौसले जब बुलंद हो ना सब कुछ होता भाई। अब हम उमलिंगला वगैरह सब कुछ कर लेंगे, वो तो कुछ भी नहीं स्टॉप के आगे। तो फाइनली एक एक पिक्चर बनते हैं भाई। या ब्रो, यस ठीक लो भाई, आ जाओ फोटो। तो भाई बर्फबारी होए जा रही है आज हमारे पहुंचने की खुशी में। इधर एक कमरा वगैरह बना हुआ है बट कोई नहीं रहता, देखते हैं क्या चीज़ है इधर भाई, आपको अच्छे तरीके से दिखाते ना। और इधर से नीचे का मंजर कुछ ऐसा है भाई, ये देखो बर्फ ही बर्फ पड़ी है इधर तो भाई, ये देखो बर्फ ही बर्फ। और आगे हमने नीचे जिगजैग करके ना नीचे गांव दिख नहीं रहा, गांव वो आगे कुछ झुग्गियाँ वगैरह है वहाँ तक जाना भाई। इधर का क्या खूबसूरत नज़ारा है, आगे स्नोफॉल कैमरे पर पड़ते ना हाथ रखना पड़ रहा है। और ऐसा कुछ व्यू देखो भाई, व्यू तगड़े वाले व्यू। ओ बर्फ गिर गई। लो जी ऐसा कुछ नज़ारा सिंगला टॉप का, इधर एक कमरा है ऊपर कुछ ये पत्ते से लगे, पता नहीं क्या चीज़ है समझ ही नहीं आ रही भाई। और ऐसा कुछ इधर का माहौल है भाई, गेट परली तरफ बट कोई रास्ता नहीं, इधर ही फ्लैग लगे हैं भाई। फाइनली यार बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमने ये कर दिखाया भाई। और टिकट भाई बेचारे रोने लग गए, इधर देखते हैं कुछ है या नहीं है। ओ भाई कुछ नहीं है, इधर से सारा दिखा दिया आपको अच्छे तरीके से। दरवाज़ा बंद है, कभी दुकान होती होगी, फिलहाल अभी बंद पता क्यों है, कोई आता नहीं ना इस चक्कर में। फिलहाल ठंड बहुत ज़्यादा है, जल्दी से ना पिक्चर क्लिक करा के यहाँ से चलते हैं, नहीं तो भाई हालत ख़राब हो जाएंगी। फाइनली कार दिखाया भाई साइकिल से, वाओ। और देखो गाड़ी रुकी है, हमें उन्होंने देखा भी साइकिल से कर दिखाया इसलिए। चलो भाई एक एक फ़ोटो हो जाए अच्छी अच्छी सी। टाइम हो चुका 6:00 पूरे 38 मिनट, हमने कितने घंटों में किया लगभग, वही 11 के करीब चले थे, बट एक काफ़ी ज़्यादा टफ रहा, लंबा रास्ता था ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो फाइनली अपना ये भी क्रॉस हो गया, तो बहुत खुशी हो रही है। तो चलना पड़ेगा भी जल्दी जल्दी क्योंकि मौसम ख़राब है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बीमार भी हो सकते हैं। और स्नोफॉल होए जा रही है। चलते हैं भाई इस खूबसूरत से आखिरी व्यू को देख लो एक बार भाई। और प्रदीप भाई कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा, वाह यस टिकलू भाई कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन भाई। टिकलू भाई के तो खुशी के आंसू आ गए भाई, वाकई टिकलू भाई हमने कर दिखाया, उम्मीद नहीं थी, सभी बोल रहे थे नहीं होगा बट कर दिया भाई, यस मज़ा आ गया। किसी को बोलते नथिंग भाई, नीचे उतरना ना काफ़ी ज़्यादा टफ है क्योंकि तीखी ढलान है ना, तो बड़ी सावधानी से जाना पड़ेगा। और हाथ भी ठहर चुके हैं, ब्रेक पूरे अच्छे तरीके से काम भी नहीं करेंगे भाई, बहुत ही तीखी ढलान है। जितनी तीखी ढलान चढ़ के आए ना, जितनी हाइट चढ़ के आए उतनी ही ढलान है। आगे कुछ दिख रहा है, गाँव बड़ी दूर है भाई। चलो भाई चलो, थोड़ा ध्यान से है। ओके भाई इधर तो तगड़े ग्लेशियर बने हुए हैं। आज की हमारी मेन प्रॉब्लम भाई पता क्या, ढलान पे मेन प्रॉब्लम ये, आगे से हवा है पूरी बर्फीली ठंडी हवा आ रही है भाई, तो बुरे हालात होने वाले हैं। बट कोई ना, जो मेन टास्क था वो हमने पूरा कर लिया। और इधर बड़े बड़े ग्लेशियर देखो, कितने बड़े बड़े भाई, लिफाफा गिर गया भाई जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई। अभी इसको ना फोल्ड करके रख लेते हैं भाई। लो जी इधर ही बड़ा तगड़े वाला ग्लेशियर है, और ऊपर देखो भाई कितने कितने फुट बर्फ है भाई, बहुत तगड़ी बर्फ है। और स्नोफॉल होए जा रही है, अभी जल्दी से निकलना पड़ेगा। इस साइड ना बर्फ़ भी ज़्यादा भाई, बट रास्ते के जो हालात ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल पत्थर पड़े हैं। और आपको पता है जब ढलान पे आते हैं ब्रेक लगानी पड़ती है तो बड़ी मुश्किल होता है, जैसे प्रदीप भाई आ रहे हैं। लो जी उतरते 6:55 का टाइम हो चुका, अभी ना 1 किलोमीटर के करीब ही आए होंगे। ठंड इतनी ज़्यादा है, सभी के हाथ सुन्न हो चुके हैं भाई, ब्रेकें लगती नहीं अभी, इतने आंसू हो चुके हैं भाई, है ना प्रदीप भाई, बिल्कुल लाल हो गए हाथ भाई। तो अभी थोड़ी देर रुकते हैं, हाथ गर्म करते हैं, फिर निकलेंगे आगे की तरफ, नहीं तो भाई सभी के बुरे हालात हो गया भाई सच्ची। और भाई गांव तो आस पास दिखाई नहीं दे रहा भाई। चलो
वो आराम थोड़ा नहीं हुआ भाई भाई, इन दोनों के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, हाथ ठहर गए हैं, मेरे भी ठहर चुके हैं, बट मैंने जैकेट में डाल दिया तो ठीक हो गए, इनके अभी भी वैसे के वैसे हैं भाई। देखो जैकेट का आप चलो कोई नहीं, 2 मिनट आराम करके चलते हैं भाई, थोड़ा ही सफ़र है, एक बार और चले ना नीचे तक पहुँच जाएंगे भाई। कुछ आस पास कुछ बोल रहे थे तो दुकानें हैं बट कोई लग नहीं रहा, तो आगे कुछ ऐसा व्यू है, हम रुके प्रदीप भाई के चक्कर में बट कहीं दिख नहीं रहा, दिखा था प्रदीप कहीं? हाँ उसके ब्रेक थोड़े डाउन है ना, तो शायद पैदल आ रहा है। ठीक है अभी रुकते हैं यहाँ पर, उसकी वेट करते।